मैं प्राण सर अपने चैनल प्राण एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4। इससे पहले का इंट्रोडक्शन में आप लोग अगर सब देख लिए हैं, समझ लिए हैं कुछ फॉर्मूले को, तो उसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करके अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सप्रेस द डिफॉर्मेटरी रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ वोल्टेज। कह रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को ऐसे चेंज करना है फॉर्मूला कि उसका जो टर्म जो आए वो कोट ए के रूप में आए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, बनाते हैं किस प्रकार से। पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए को, तो साइन ए को हमको टर्म में कौन सा टर्म में चेंज करना है, कोट ए के टर्म। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग अलग फार्मूला और अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जिस फार्मूला से और जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दूसरा फार्मूला से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जिसमें फार्मूला से देख रहे हैं ये अगर समझ में आ जाए तो अच्छी, नहीं तो आप अपना भी कोई एक फार्मूला द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं साइन ए, साइन ए को सॉल्व को इसको कोट ए के टर्म में चेंज करने की इससे पहले भी प्रश्न पार्ट में फॉर्मूला हमने लिखवाया था साइन थीटा या साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे साइन थीटा की जगह में यहाँ पे ए है और cosec थीटा की जगह पे ए लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा या साइन ए इक्वल टू 1/cosec थीटा था, तो यहाँ पे यूज करेंगे ए। अब एक और फॉर्मूला हमने लिखवाया था cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को cosec स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे cosec में cosec a है, पहले इसको निकाल लेते हैं cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1+cot स्क्वायर थीटा। अगर इसी को सॉल्व करेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर नहीं, यहाँ से स्क्वायर जब हटा देंगे तो cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1+cot स्क्वायर थीटा। तब इसी फर्क को यूज करेंगे इसको कि cos sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1+cot स्क्वायर थीटा, तो इसको सिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे 1/cosec थीटा मतलब cosec a अंडर रूट 1+cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा 1+cot स्क्वायर थीटा। अब ये क्या कि cosec स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो वह cosec स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, इसका रूट में चेंज हो जाएगा 1+cot स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये टर्म में चेंज हो गया, cot के टर्म मिलाना था तो cot स्क्वायर थीटा आ गया, cot a मतलब cot स्क्वायर थीटा। अब हमें चेंज करना है sec a, sec a को चेंज करना है cot के टर्म में, तो cot के टर्म में चेंज करने के लिए थीटा के बदले चाहे तो आप लोग ए लिखे या थीटा लिखे, क्वेश्चन में ए है तो ए को ही लिख लेते हैं cot स्क्वायर a। अब मैं यहाँ पे sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर को चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया गया था 1+sec स्क्वायर a इक्वल टू 1+tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को हम लोग लिखे थे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो यहाँ से उसको चेंज किए थे sec स्क्वायर a इक्वल टू 1+tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो sec a इक्वल टू अंडर रूट 1+tan स्क्वायर a, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये sec a किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो अंडर रूट में 1+tan स्क्वायर a। तो इसी को यहाँ पे करेंगे sec a है तो sec a के फॉर्म में लिखेंगे इसमें इक्वल टू 1+tan
टेन स्क्वायर ए। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग यूज किए टेन के लिए, टेन ए इक्वल टू होगा वन बाई फोर ए। तब टेन को चेंज कर देंगे फोर के रूप में तो ये आ जाएगा वन प्लस टेन को चेंज कर रहे हैं वन बाई फोर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे फोर स्क्वायर। चाहे तो हम इसको इसे रूप में रख सकते हैं, नहीं तो इसको एलसीएम निकाल के इसका चेंज कर देते हैं एलसीएम के रूप में, फोर स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा फोर स्क्वायर ए, फिर यहाँ वन टाइम्स फोर स्क्वायर ए प्लस वन। तो इस प्रकार से ही फोर के रूप में आ गया टर्म में। अब एक लास्ट बच गया है टेन ए, तो टेन ए का टर्म है टेन ए इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ही था टेन ए इक्वल टू वन बाई फोर ए, तो वन बाई फोर ए ये सीधा सीधा टर्म में था, तो यहाँ पे फोर ए टर्म में आया, ये फोर के टर्म में आया, ये भी फोर के टर्म में आया, तो सभी टर्मों को हमने चेंज कर दिए फोर ए के टर्म में। तो अब आई होप आप लोग इसे समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।